गुड मॉर्निंग क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट आठ फिर गधे से गधा का अभ्यास करेंगे। और अभी तक जितने पाठ मैंने अभ्यास में करवाया आपको, जितने पाठों का अभ्यास कर करवाया है, आपने सभी का अभ्यास कर लिया होगा, क्योंकि ये सभी पाठ परीक्षा में आएंगे। इसलिए आप इन सभी पाठों को लिख करके देखें, मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। पाठ आठ का नाम है फिर गधे से गधा। इसकी जो कहानी है वो आपको पता ही है कि इसमें एक उशारीलाल नाम के शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और डांटते वक्त वो बोल देते हैं कि मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। और उस वक्त वहीं से गांव का धोबी जा रहा होता है, उसके पास काफ़ी गधे होते हैं, तो वो सोचता है कि मास्टर साहब ने गधों को आदमी बना दिया है, तो क्यों ना मैं अपने गधे को भी आदमी बनवा लूँ। और वो अपनी बीवी अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता है और कुछ पैसे देकर मास्टर साहब से कहता है कि मेरे एक मोती नाम का जो गधा है उसको आदमी बना दो। तो मास्टर साहब को पहले हंसी आती है कि क्या आदमी है, क्या कह रहा है, लेकिन बाद में वो जिद इतना जिद करता है वो धोबी, तो बाद में मान जाते हैं, कहते हैं कि चलिए अच्छा मैं आप गधे को आदमी बना देता हूँ। और वो उससे 200 रुपये लेकर कह तो जो गधा है उसको जंगल में छोड़ देते हैं और कहते हैं धोबी से कि तुम 6 महीने बाद आना। वो सोचते शायद 6 महीने बाद तक ये भूल जाए, लेकिन वो भूलता नहीं है। 6 महीने बाद वो धोबी फिर से वहाँ आता है और कहता है कि क्या मेरा दो मोती गधा जो है आदमी बन गया। तो वो कहते हैं अरे तो फिर आ गया। कहते हैं कि हाँ बन गया, वो बनारस में एक बहुत बड़ा काजी हो गया है, काजी मतलब जज बन गया है, और कोर्ट में बैठता है, कचहरी में बैठता है। कहते हैं अच्छा, कहता है तुम जाओ मिलाओ उससे। तो हो सकता है मास्टर साहब के सोचते शायद हो सकता है नहीं जाए, वो अभी भी समझ जाए कैसा नहीं हो सकता, फिर आदमी जो है गधा जो है आदमी नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी वो जो है जाता है बनारस, और वो काफ़ी ना समझ टाइप का जो आदमी है, व्यक्ति है वो धोबी माधो जो है। और वो धोबी फिर से जाता है बनारस। बनारस में जाकर देखता है कि एक बड़ी सी सीट पर जज साहब बैठे हुए हैं, काजी साहब बैठे हुए हैं, और वो उनको काफ़ी कोशिश करता है कि वो मुझे पहचान जाए, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। तो वो गुस्सा होकर अपने घर लौट आता है और कहता है मास्टर साहब से कि मेरे गधे को वापस मेरे आदमी जो आदमी बना दिया था तुमने, उसको काजी बना दिया था, उसको वापस गधा बना दो। तो वो कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं शायद अब इसमें थोड़ा सा समझ आ गई है। तो वो उसको जंगल से गधे को पकड़वा के उसको वापस कर देते हैं, और वो उसको मारता हुआ ले जाता है घर के। चल तू तो अब मैं तुझे घर पे देखूंगा, तू मुझे काजी बनने के बाद पहचान रहा नहीं था, और अब मैंने तुझे फिर से गधा बनवा दिया है, तू गधे का गधा ही रहेगा। इस तरीके से ये कहानी एक हास्यात्मक कहानी है। और इस कहानी का सारांश आप अपने, आपके पास किताब हो तो आप अपनी किताब में एक बार इस कहानी को पढ़िए ध्यान से, ताकि आपको जो है शब्द अर्थ हैं इसके, प्रश्न उत्तर हैं इसका, अभ्यास कार्य है, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके पहले शब्द अर्थ याद करेंगे और ये सब लिखकर देखने हैं आपको। सलाम, प्रणाम या अभिवादन या नमस्ते। गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना। काजी, न्यायाधीश। मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि मात्राएं हैं इसमें, नंबर कटते हैं। नमक हराम, कृतघ्न, उपकार न मानने वाला। खुशामद, झूठी प्रशंसा। विनती, प्रार्थना। खातिर, लिए। कचहरी, अदालत या न्यायालय। मिन्नत, प्रार्थना। तो ये सारे जो हैं शब्द अर्थ आपको लिखकर देखने हैं। इनमें काफ़ी कठिन सी मात्राएं भी लगी हुई हैं, और ये कठिन वर्ड हैं, कृतघ्न है, न्यायाधीश है, प्रार्थना, प्रणाम, ये सारे कठिन वर्ड हैं, आपको लिखकर देखने हैं, तभी आपको अच्छे से शब्द अर्थ याद होंगे और आपको लिखना भी आएगा। धन्यवाद।